हेलो गाइस, डार्क वेब, डीप वेब होता क्या है और हैकिंग कैसे होती है? ये जब भी हम लोग सोचते हैं दिमाग में ना कुछ ऐसा होने लगता है। देखा ना, बौखला जाता है दिमाग। तो आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम गाइस, मेरा नाम शिवदीप सिंह चीमा। मेरा चैनल शिवदीप स्पेशल पे, इस पे मैं ट्रैवलिंग वीडियोस बनाता हूँ, रिव्यूज देता हूँ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। आज हम लोग डार्क वेब, डीप वेब और हैकिंग के बारे में बात करेंगे। चलिए आज ये जानते हैं डार्क वेब, डीप वेब होता क्या है। एक्चुअली इंटरनेट को ना तीन सरफेस में बांटा गया, ठीक है? डार्क वेब, डीप वेब और जो नॉर्मल स्टैंडर्ड इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो। जो स्टैंडर्ड इंटरनेट में हमारी फेसबुक, गूगल, गूगल में जो भी सर्च करते हैं तो हम लोग इजिली फाइंड हो जाते हैं। जैसे गूगल में आप कुछ भी मारो, इजिली मिल जाता है। ये हमारा स्टैंडर्ड वेब हो गया, ठीक है? इसमें आप कुछ भी सर्च करो, नॉर्मल जो जो चीजें मिल सकती हैं वो मिल जाते हैं। इंटरेस्टिंग। कहते और भी है, गूगल क्रोम, बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जो स्टैंडर्ड इंटरनेट में हम लोग यूज करते हैं। डीप वेब होता क्या है? डीप वेब एक्चुअली, डीप वेब वो होता है ना, जैसे मान लो आप रिलायंस कंपनी होगी या फेसबुक का अपना हो गया, इनके ना खुद के ऑफिस होते हैं, उनके जो फाइल्स होती हैं, जो इनके यूआरएल होते हैं ना, इनका प्राइवेट होता है। जैसे हम, एज फॉर एग्जाम्पल, मेरा गूगल अकाउंट है, मैं उसको लॉग इन करता हूँ, जो मेरी खुद की प्राइवेट जो कोई नहीं देख सकता वो होता है डीप, क्योंकि डीप है ये। आप उसका पासवर्ड डाल के आप देख सकते हो। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फेसबुक वालों का ले लो, ठीक है? उनका जो भी ऑफिस है, जिस भी जगह पे होगा, उनके एक टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। जैसे उनकी जो भी हम लोग फाइल्स हैं, उनके जो भी डाटा है, हम लोग नहीं जाके नॉर्मल चीजें सर्च कर सकते, उसको बोलते हैं डीप वेब। वो डार्क वेब क्या होता है? डार्क वेब सोचते हैं ना, दिमाग बंदों का ना कंफ्यूज हो जाता है। आखिर डार्क वेब कुछ ऐसी चीज नहीं है, कोई खराब चीज नहीं है। बोलते हैं ना, अच्छे लोग अगर अच्छा कुछ करेंगे तो अच्छी चीज है, खराब लोग अगर कुछ खराब करना चाहेंगे तो वो नुकसानदायक भी है। No, don't like that. डार्क वेब को अगर आपको चलाना है तो आप नॉर्मल गूगल पे नहीं चला सकते, गूगल क्रोम पे नहीं चला सकते, याहू पे नहीं चला, कहीं पे नहीं। उसके लिए अलग उसका ब्राउजर होता है। नॉर्मली लोग टॉर ब्राउजर होता है, आप जिससे डार्क वेब की साइट्स पर जा सकते हो। और जब भी आप टॉर ब्राउजर यूज करो, आपके पास वो यूआरएल होना चाहिए जिस भी ब्राउजर पे आप जा रही हो। वो सेफ्टी भी होता है, थोड़ा सा लेंदी और स्लो होता है डार्क वेब। बट आप एक चीज जानो कि जब भी आप डार्क वेब पे जाओगे, जैसे यहाँ पे हम लोग के नॉर्मल होता है, जैसे शिवदीप सिंह, मेरा shivdeep09@gmail.com.in, हम लोग का ऐसे होती है वेबसाइट्स, ठीक है? बट वहां पे वेबसाइट्स का डॉट ऑनियंस होता है। ऑनियंस क्यों? आप सोचोगे प्याज, प्याज क्यों गाइस? प्याज इसलिए क्योंकि प्याज के अंदर ना बहुत सारे लेयर्स होते हैं, 1 2 3 4, कितने सारे लेयर्स होते हैं। वैसे ही ये डार्क वेब में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। आप कोई भी चीज डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते वहां पे जाके। उसके लिए आप डायरेक्ट, आप किसी से कांटेक्ट नहीं होता, वो घूम फिर के, जलेबी देखिए ना, जलेबी, जलेबी ऐसा घुमा हुआ होता है, आप घूम फिर के फिर उस बंदे को कांटेक्ट करते हो। डायरेक्ट कभी भी कोई किसी को डार्क वेब में कांटेक्ट नहीं कर सकता। डार्क वेब एक तरीके से देखा जाए, अगर आप कुछ सिक्योर चीज करना चाहते हो तो सेफ है, बट डार्क वेब खतरनाक भी है। वहां पे आपका, आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप जाते हो, आपको डार्क वेब की कुछ नॉलेज नहीं है, आपने लिंक कर दिया, आपको हैक किया जा सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आप कंगाल हो सकते हो, आप अपनी सुपारी अपने हाथों दे दोगे, समझे? फिर देने के बाद ना ये होगा।
No, God, please, no. देखा, ऐसा कुछ होने से बेटर डार्क वेब के बारे में अगर नहीं जानते, डोंट ट्राई टू विजिट. हाँ, गूगल पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, देखो क्या है. अगर जाना चाहते हो सेफली किसी यूआरएल को लेके पेज करो, तब जाओ. नॉर्मली लाइक मेरे जैसे लोग ना, मैंने ट्राई किया है, नॉर्मली ना लैपटॉप हैंग हो जाता है, आप उधर जाओगे क्योंकि वो बहुत स्लो होता है. आपको डायरेक्ट, क्योंकि लेयर्स होते हैं ना, डायरेक्ट पे डायरेक्ट नहीं आता, बहुत स्लो चलता है. और आप बाई चांस कुछ ऐसा वैसा टैप कर दिया, कुछ भी दबा दिया ना, क्या पता आप खुद अपनी सुपारी अपने हाथों दे दो. तो ऐसा होता है डार्क वेब. डार्क वेब में आप कुछ भी काम करोगे तो वहां पे होती है क्रिप्टो करेंसी में. नॉर्मली वहां पे लोग रिसीव करते हैं क्रिप्टो करेंसी, और उसके बहुत सारे रूल्स भी हैं. एंड क्रिप्टो करेंसी कैसे बाय करते हैं वो अगली वीडियो में बताऊंगा मैं, क्या होता है क्रिप्टो करेंसी. बट क्रिप्टो करेंसी देख के ही वहां पे लोग ज्यादातर काम करते हैं. और डार्क वेब इज ए गुड फॉर गुड पीपल. लाइक अगर आपको नॉलेज है, कुछ सिक्योर काम करोगे तो अच्छी है. अगर आपको कुछ इलीगल काम करना है और वहां जा रहे हो तो ध्यान से, कुछ भी हो सकता है. एंड कई 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 कंट्रीज में डार्क वेब बैन है. लाइक एज फॉर एग्जाम्पल चाइना में शायद डार्क वेब आप नहीं चला सकते, वहां पे इलीगल है. वीपीएन यूज करना भी चाइना में इलीगल है. जैसे ही डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री पे रहते हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से. अगर आप वहां चलाते हो, क्या अगर वहां के खिलाफ है तो आपको उसके लिए सजा भी हो सकती है. तो जब भी चलाएं तो देख के चलाएं कि आप जिस भी कंट्री में हो वहां पे डार्क वेब अलाउ है. ठीक है, तो ये रहा डार्क वेब का. तो गाइज इंटरेस्टिंग. अब मैं बात करूंगा हैकिंग की बात. हैकिंग और डार्क वेब कनेक्टेड है. लोग हैक करके कुछ भी करते हैं और आपसे पैसे मांगते हैं, वो मांगेंगे डार्क वेब के थ्रू आपसे पैसे. आपको पता भी नहीं चलेगा, आप अगर डार्क वेब विजिट कर दिया, कुछ भी आपका जो जो किया ना, आपके क्रेडिट कार्ड के कुछ भी अगर उसमें लिंक हो गया तो आप कंगाल. हैकिंग कैसे करते हैं? हैकिंग आप तो जानते ही होंगे, कैरी मिनाटी वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर अभी है इंडिया का. एंड फीफा फूज चैनल भी आप जानते ही होंगे, जो कि बिग बॉस की रिव्यूज, बॉलीवुड की न्यूज देता है. कैरी मिनाटी का चैनल हैक हो गया था. अगर कैरी मिनाटी का हो गया व्हाट, तो हमारा क्या होगा? तो हमारा तो इजीली होता है. बेसिकली ये हैक होता कैसे है, जैसे फीफा फूज का चैनल अभी हैक हुआ था, उन्होंने बताया उनको एक मेल आया था प्रमोशन के लिए. मेल, उन्होंने प्रमोशन के लिए मेल खोला, देखा क्लिक करके खोलने के लिए, वन क्लिक में उनका हैक हो गया. और ये तो अच्छी बात है, यूट्यूब वाले फटाक से उनका चैनल रिकवर कर दिया, बंद कर दिया था. विद इन 15 या 16-20 आवर्स में उनका चैनल वापस आ गया. अभी उनका चैनल सेफली चल रहा है. तो गाइस, इसीलिए कभी भी कोई भी मेल आता है, अगर उसमें कुछ भी प्रमोशन के लिए देते हैं साइट, उस पे क्लिक ना करें. अगर आपका नोन वेबसाइट है, अगर आपका कोई नोन आपको भेज रहा है, देन यू क्लिक इट. अदरवाइज अगर आपको कोई भी अननोन मेल आता है जो कि प्रमोशन के लिए बोलता है, आप क्लिक करो, आपको फायदा होगा. सो डोंट ट्रस्ट, डोंट क्लिक, आप हैक हो सकते हो. आपका अगर यूट्यूब चैनल नहीं भी है तो भी आप गूगल हैक करके आपका बैंक अकाउंट हैक कर सकते हैं, आपका क्रेडिट कार्ड हैक कर सकते हैं. तो इसीलिए इससे बचें. हम लोग बहुत जगह गूगल पे आके सर्च करते हैं, जो भी हम लोग सर्च इंजन करते हैं वो गूगल में चढ़ जाता है. ठीक है, पेश हो जाता है कि इस बंदे ने, तो उनको पता चल जाता है कि ये बंदे को इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए. तो उसके थ्रू क्या करते हैं, हमारे डाटा कलेक्ट करते हैं. डाटा कलेक्ट करके फिर उनको पता है ये बंदे को प्रमोशन, उनको कुछ करना है. एज फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा यूट्यूब, मेरा चैनल है, अब मुझे कोई मेल करेगा, अब बोलेगा मैं आपको प्रमोशन करूंगा, आपके यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, आपको मैं पैसे दूंगा. तो हमारे दिल में क्या आता है, लालच, अरे पैसे मिलेंगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो हम उस चक्कर में जाते हैं, क्लिक कर देते हैं और हो गया हैक. हमारा तो छोटा सा चैनल है, ये हैक करके फाइनल, बट वो हमारा गूगल हैक करके, यूट्यूब हैक करके हमारा क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन लेके हमारे बैंक से भी पैसे निकाल सकते हैं. इसीलिए तो अवॉइड करें.
ऐसी कोई भी लिंक मिलता है जिसको आप नहीं जानते, अननोन है, तो नेवर टच दैट लिंक। अगर आप जानते हो, अगर आप नोन हो, तभी क्लिक करें, और किसी अननोन पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन ना बताएं अगर वो आपको कॉल करके पूछता है। तो गाइस, आज के टॉपिक पे बस यही बात करनी थी। डार्क वेब, डीप वेब, स्टैंडर्ड वेब क्या होता है, और हैकिंग करने का बहुत सिंपल तरीका, ये हमको तो नहीं पता कैसे होती है, बट ये कैसे हो जाती है वो मैंने आपको बताया था। तो गाइज, मेरे ये चैनल है, इसमें मैं व्लॉगिंग बना, ट्रैवलिंग की वीडियोस बनाता हूँ, और फूड की वीडियोस बनाता हूँ, रिव्यूज देता हूँ, और कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पे बातें करता हूँ। Your ideas are intriguing to me, and I wish to तो गाइज, अगर मेरा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। और गाइज, आपको किस चीज के बारे जानना है, अगर मैं कनाडा की इंफॉर्मेशन भी देता हूँ, बेसिकली राइट नाउ आई एम इन कनाडा, तो आपको कुछ भी कनाडा के बारे में पूछना है, तो भी आप मुझे नीचे मैसेज करके बता सकते हो, कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको उस टॉपिक पे ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। गाइज, मेरा नाम शिवदीप सिंह चीमा, आपके साथ मैं ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा, तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, और मेरे वीडियोस देखें। फिर मिलता हूँ आपको कुछ अगली वीडियो में, कुछ दिलचस्प लेके। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। इंटरेस्टिंग।